दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप टेक्निकल नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीरोधा में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को अनेबल करना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होगा वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको जीरोधा एप्लीकेशन में सारे ऑप्शन बता देता हूँ, सारा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, वही बस आपको फॉलो करना है और आप भी अपने अकाउंट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन को अनेबल कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे हम अपना काइट एप्लीकेशन जो है वो जीरोधा का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ये हमारा वॉच लिस्ट है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप नीचे जाके पोर्टफोलियो पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपकी प्रोफाइल का। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा एरो टाइप में, दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे नॉमिनी का, बैंक का, डीमेट का, सेगमेंट का। तो दोस्तों सेगमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेगमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पिन यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी दोबारा से, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अभी बंद है, आप देख सकते हैं NSE और BSE दोनों में, तो आप दोस्तों यहाँ पे दोनों को ऑन कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों आप कंटिन्यू पे इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे ग्रॉस इनकम का सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन कहेगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे नॉर्मल वाला सिलेक्ट करते हैं कि हमारी इनकम जो है वो 1 लाख से नीचे है, तो हम इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जो आपने होल्डिंग्स कर रखी है वही आपकी इनकम प्रूफ की स्टेटमेंट बन जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इसे अनक्लिक कर देंगे। अनक्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप अपने और कोई इनकम प्रूफ देना चाहते हैं तो वो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप अपना बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप, IRT, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फॉर्म 16, ये सब आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद दोस्तों आप इसे बैक कर लेंगे। अगर आप अपनी होल्डिंग ही करना चाहते हैं तो आप होल्डिंग वाले पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे मिल जाएगा रिसीव OTP ऑन मोबाइल, तो इस पर दोस्तों आप कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद आपको ऊपर एक मैसेज भी आ जाएगा देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो आपने मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करी है वो सेगमेंट आपका नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सेगमेंट कंप्लीट और इसका स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है, लास्ट अपडेट 11 तारीख 2 महीना 2023, और ये आपका टाइमर यहाँ पे दिखा देगा। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट आपने करी है तो इसको 12 से 24 घंटे लगते हैं या 48 घंटे भी लग सकते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो है सिस्टम अनेबल हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।